फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि आपको UPSI की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आपको हिंदी के कौन से टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना होगा, कौन से टॉपिक्स को आपको मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, और आपके हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए, उसके बाद से ही हम आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आपको हिंदी की क्लासेस इसी चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। और आप जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस बार ही आपको और भी टाइम मिला है UPSI की तैयारी करने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करो। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा। आप चाहें तो मैं आपको ऐसे कर दे रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे अच्छे से जो है आप एक एक टॉपिक अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो और आप ये मतलब अच्छे से क्लियर कर सको हर टॉपिक को, प्रति टॉपिक को। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, आप स्क्रीन पर देखो, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हिंदी के बारे में जानना होगा कि हिंदी का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा आपके हिंदी के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 100 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। प्रति क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का मतलब आपको पॉइंट जो है 2.5 नंबर मिलता है, यानी कि 2.5 नंबर मिलता है। और आपको पर सब्जेक्ट में जो है पहले मतलब क्या था कि 50% लाना अनिवार्य था, लेकिन अब जो है नियमावली में चेंजेस हुए हैं, तो आपको पर सब्जेक्ट में जो है 35% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम हिंदी में 100% लाएंगे और मैथ में 35% ही लाएंगे, तो फ्रेंड्स अगर मान लो आपने हिंदी में 100% ला दिया और मैथ में मतलब क्वेश्चन किए ही नहीं, 40 में से आपने 10 भी क्वेश्चन नहीं किए, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, चाहे आपका 400 नंबर ही क्यों ना, जैसे आपको पता होगा ये आपका 400 का मतलब पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको इन चारों सब्जेक्ट में जो है हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK GS, जो कि उसमें इम्पोर्टेंट आपका संविधान प्लस मूल विधि होता है। और मैंने आपको क्लासें भी स्टार्ट करके दे दी है CRPC की और IPC की, तो मतलब ये सारे जो है आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपको हिंदी व्याकरण का जो है मौलिक ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, अनेकार्थक जो है आपको पढ़ना होगा, पर्यायवाची विलोम, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, और समरूपी भिन्नार्थक जो है आपको शब्द भी पढ़ने होते हैं जो, और आपको पता होगा ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसे रिविजन करो कि आप इसमें से 40 से 40 क्वेश्चन और बहुत ही कम टाइम में कर सको। और आपको अशुद्ध वाक्यों को जो है शुद्ध करना जो है ये भी आपको पढ़ना होगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह भी आपको पढ़ने होते हैं, और विराम चिन्ह के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। और आपका जो है मुहावरा प्लस लोक उक्तियाँ जो होती हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, रस भी पूछा जाता है, छंद, अलंकार आदि, ठीक है। ये आपके जो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं और इम्पोर्टेंट है। फिर आपका अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचना, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं से रिलेटेड होंगी। फिर आपको हिंदी भाषा में पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में किसको पुरस्कार और कब दिया गया। फिर आपको विविधा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको
कोई भी डाउट नहीं होगा और आपके हिंदी के मतलब जो है इतने टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स पर हम आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप एक हिंदी का जो है कॉपी बना लीजिए और जो भी हम कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, ठीक है, आप उसे अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और आपको हम ये जो भी पार्ट्स हैं बहुत ही मतलब कम टाइम में प्लस आपका प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम आपकी तैयारी अच्छे से करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी जो हो गई हिंदी की फुल सिलेबस और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और मतलब कितने टॉपिक से कितने नंबर आते हैं हम आपको ये भी बता देंगे रीजनिंग से रिलेटेड, प्लस आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा, प्लस आपको जीके में तो मैंने आपको पहले भी बताया है फ्रेंड्स, जीके में आपको 24 क्वेश्चन जो है आपके मूल विधि प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं 24 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जीके में तो मतलब ज़्यादा आपको फोकस जो है मूल विधि पर करना होगा प्लस कॉन्स्टिट्यूशन जो भी धाराएं हैं इम्पोर्टेंट धाराएं उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना होगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जीके के कारण ही बाहर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिन टॉपिक पे फोकस करना होगा अच्छे से हम क्लियर करा देंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, बस हम आपको इस वीडियो में हिंदी के फुल सिलेबस के बारे में बताना चाहते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हम जल्दी जो है आपकी क्लासेस जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ही आपका सिलेबस जो भी है वो डिस्कस करके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।